दोस्तों टीम इंडिया में इस खिलाड़ी की अचानक एंट्री से सदमे में आ गई है वेस्टइंडीज की टीम। ये खिलाड़ी मचा देंगे सनसनी। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे टी ट्वेंटी श्रृंखला को खत्म करके अब वेस्टइंडीज की तरफ रुख कर रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम को पहले तो 3 वनडे फिर 5 T20I मुकाबले खेले जाने। ऐसे में दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली इस सीरीज में भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है और भारतीय टीम ने कई अपने पुराने खिलाड़ियों को भी बैक किया है। उसी लिस्ट में 2 ऐसे खिलाड़ी का नाम आ रहा है जिनके आने से वेस्टइंडीज की टीम काफी स्तब्ध हो गई है और उनकी वापसी से वेस्टइंडीज की टीम को काफी दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि वो खिलाड़ी काफी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी हैं। ऐसे में दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला ओडीआई मुकाबला भारतीय टीम को 22 जुलाई शाम 7 बजे से खेलना है और इस मुकाबले में भारतीय टीम के कई खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि यहां पर वेस्टइंडीज की हालत खराब कर सकते हैं और 2 खिलाड़ी तो ऐसे वापसी कर रहे हैं जिनके लिए भारतीय टीम काफी ज्यादा कोशिश भी कर रही है। दरअसल उस लिस्ट में पहला नाम है संजू सैमसन का। संजू सैमसन जिनको भारतीय टीम यहां पर पहले ओडीआई में मौका दे सकती है और संजू सैमसन से फिनिशिंग संभलवा सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि संजू सैमसन कैसी बल्लेबाजी करते हैं क्योंकि संजू सैमसन एक शानदार खिलाड़ी हैं, हमको भी पता है आपको भी पता है, लेकिन वो कैसी बल्लेबाजी वेस्टइंडीज के खिलाफ करते हैं तो देखने वाली बात होगी। दोस्तों अगला नाम निकल कर आ रहा है रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा एक शानदार ऑलराउंडर है और उन्होंने अपनी बैटिंग बॉलिंग के अलावा अपनी फील्डिंग से भी सबको प्रसन्न कर रखा है। इसी वजह से वेस्टइंडीज की टीम उनसे काफी परेशान हो सकती है, खासकर उनकी बल्लेबाजी की जो फॉर्म है वो काफी सही रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या संजू सैमसन यहां पर जडेजा के साथ मिलकर कुछ कमाल कर पाते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम को जीत दिला पाएंगे दोनों खिलाड़ी, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्रिकेट जगत की सभी खबरों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें।